व्यापारी लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका विकास सिंधु नदी के आसपास हुआ, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो थे व्यापारी या बिजनेसमैन। साथ में हमने देखा आर्थिक विकास इसका कैसे हुआ, कैसे इसका आर्थिक उत्थान हुआ। तो आर्थिक स्तर पर इसके होने के कई कारण। सबसे पहली बात, इनके यहाँ कृषि का अधिशेष होना, और कृषि का अधिशेष इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि इन लोगों के पास सिंचाई की सुविधा थी सिंधु नदी के आसपास, और कृषि का ज्यादा खाद्यान्न होने की वजह से ही धीरे धीरे इन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी इनके पास खाना बचा था उसका ही व्यापार करने लग गए। फिर साथ साथ में कुछ नगदी फसल जैसे कपास ये भी उगाने लगे। धीरे धीरे ऐसे इनका आर्थिक उत्थान हुआ, और कृषि के क्षेत्र में ये लोग पशुपालन भी करने लगे। और पशुपालन किस लिए करते थे, उसके भी बहुत सारे कारण थे। पहला, पशु से दूध मिल सकता है, खाना मिल सकता है, साथ में इस पशु का उपयोग परिवहन सुविधा के लिए भी किया जा सकता है। परिवहन के लिए इस पशु का उपयोग किया जा सकता है, साथ में इससे मीट भी मिल सकता है, तो इसीलिए एक लोग परिवहन सुविधा को अपनाते। और व्यापार की दिशा में जब बहुत सारे लोगों ने इतना खाना इकट्ठा कर लिया तो कुछ लोग नई नई चीजें भी करने लगे, और इसी के साथ इनके यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से थोड़ा आगे विनिर्माण क्षेत्र का विकास हुआ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात होती। तो इनके यहाँ शिल्प उद्योग इसका विकास हुआ। अब कुछ लोग जिन्हें मौका मिला उस शिल्प उद्योग में लग गए, और शिल्प उद्योग में क्या करेंगे, सूती वस्त्र का निर्माण करेंगे। ये लोग धीरे धीरे अपने कपास का उपयोग सूती वस्त्र के निर्माण में करेंगे, क्योंकि तो सिर्फ कपास अगर बेचेंगे तो ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कपास से बना हुआ कपड़ा बेचेंगे तो काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए ये लोग सूती वस्त्र उद्योग पर ध्यान देते। और इनका मलमल का कपड़ा काफी ज्यादा फेमस था, चाहे रोमन एम्पायर हो, इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया, सब लोग इनके यहाँ पहन। तो इनके यहाँ धीरे धीरे सूती वस्त्र का विकास हुआ। साथ में हमने इनके आवास निर्माण में नगरीकरण में देखा था कैसे ये लोग धीरे धीरे ईंट बनाने लग गए, तो पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों से घर बनते थे। तो इनके व्यापार का एक और तरीका, क्योंकि तो इससे भी इन्हें काफी ज्यादा पैसा मिलता है। आज के टाइम भी आप देखेंगे बहुत सारे जो घर बनते हैं उसके लिए जो रॉ मेटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो, पत्थरी हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक आय का जरिया बन जाता। तो ऐसे ही इनकी आय के जरिए में एक और जो चीज थी वो थी ईंट उद्योग, और साथ में बहुत सारे सामान ये लोग हाथी दांत से बनाते थे। हाथी दांत पर बहुत सारी नक्काशी करके, डिजाइनिंग करके कई बार उनकी ज्वेलरी बना दी जाती थी, कई बार श्रृंगार के लिए कंघा जो होता है वो इससे बना दिया जाता था, और उस कंघे को भी व्यापार किया जाता था। कई बार बहुत सारे कंगन वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, वो सारी चीजें इनकी किससे बनी, हाथी दांत से। और साथ में ये लोग अपने धातु उद्योग का भी उपयोग करते थे, जिसमें ये लोग एक चीज को सबसे ज्यादा जानते थे, इसका नाम था कॉपर। तांबा का उपयोग ये काफी ज्यादा करते थे, और तांबे से बनी हुई मूर्तियां हमें मिलती हैं। बहुत सारे इन लोगों ने चीजें भी बनाई जो तांबे की थी, तो उसका भी विकास इनके यहाँ हुआ। लेकिन अभी इनके यहाँ लोहा नहीं मिलता, लोहा के बारे में अभी इनको नहीं पता है, अभी इसका विकास नहीं हुआ, इसलिए ये लोग जो भी काम करेंगे वो तांबे के।
हिसाब से करेंगे, ना कि लोहे के हिसाब से। तो ऐसे इनका कृषि और फिर उसके बाद व्यापार के मामले में शिल्प उद्योग इसका विकास हुआ आर्थिक स्तर पे, और फिर आगे जाके ये लोग इन्हीं चीजों का व्यापार करने लगे। और जब ये सारी चीजें सरप्लस होंगी तो ये लोग व्यापार करेंगे, और व्यापार का मतलब होता है किसी सामान को लेना या देना, ये ही व्यापार होता है। किसी चीज को ये लोग आयात करेंगे, किसी चीज को निर्यात करेंगे। तो कुछ चीजें जो हमें दिखाई देंगी जो ये लोग निर्यात करेंगे दूसरे देशों में, और निर्यात करेंगे तो इनको संसाधन मिलेगा, सोना चांदी भी मिल सकता है। तो ये लोग कई सामान निर्यात करते हैं, जैसे लकड़ी के बने हुए बहुत सारे सामान, क्योंकि इनको नक्काशी बहुत ज्यादा आती है। तो लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के गेट, ये सारी चीजें भी बनाते थे। तो लकड़ी के सामान ये लोग एक तरीके से निर्यात करते थे, जिससे इनकी आय होती थी। साथ में हमने देखा हाथी दांत से बने हुए सामान जो बहुत ज्यादा ये लोग बनाते थे, क्यों? क्योंकि इनके पास तकनीक थी ऐसी। तो हाथी के दांत पर बनाए गए सामान ये भी लोग इन्हें निर्यात करते थे। साथ में इनके पास शिल्प उद्योग है, सूती वस्त्र है, तो इसका मतलब कपड़े का भी निर्यात करते थे। और जिसमें हमें पता है एक कपड़ा इनका बहुत ज्यादा फेमस था, मलमल, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता था, बड़े बड़े अमीर आदमी उसको उपयोग करते। तो ये सारी चीजें, और साथ में इनके पास खेती भी सरप्लस में थी, तो ये लोग अनाज को भी निर्यात करते। आज के भारत में भी आप देखें तो इन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग निर्यात करते हैं, जैसे लकड़ी से बने सामान हम निर्यात करते हैं। आपने सुना होगा पुष्पा के बारे में, तो पुष्पा एक तरीके से क्या था, लकड़ी चोरी था। वीरप्पन, वो भी लकड़ी। तो भारत एक मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में रहता है, जहां पर लकड़ी जो है वो थोड़ी सी मजबूत है, और उस लकड़ी का उपयोग बहुत सारे सामान बनाने के लिए किया जा सकता है। तो उसी तरह ये लोग यूज करते थे जो आज के टाइम में करता है। साथ में हमारे यहाँ हाथी मिलते हैं, और हाथियों के दांत बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उन दांतों पर भी बहुत सारी चीजें बनाते थे। साथ में इनके यहाँ कपास होती थी, सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के पास काफी जल था, कपास को पानी चाहिए होता है, नमी बनी रहती है, तो इस वजह से इसको फायदा होता। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इनके व्यापार में निर्यात का हिस्सा होती है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शामिल है जिनका निर्यात सिंधु घाटी के लोग करते थे। अगली बात आती है आयात क्या करते, तो जो जो चीज हमारे देश में है नहीं उस चीज का ये लोग आयात करेंगे। और आज भी हम उस चीज का आयात कर रहे हैं, जैसे भारत के लोग ज्वेलरी तो पहनते हैं लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी नहीं होती, तो ये लोग सोना चांदी, सोना भी आयात करेंगे साथ में चांदी भी। तो सोना और चांदी दोनों ये लोग आयात करेंगे, साथ में कुछ बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर चाहे लाल पत्थर हो या फिर वो नीला वाला पत्थर जिसको आजकल बहुत सारे लोग अंगूठी भी बनवाते हैं, जिसे हम नग कहते हैं, कि अगर ये अंगूठी पहन ली तो आपका लाल हो जाएगा पत्थर, लाल हो गया तो आपके जीवन में जो खतरा है वो टल जाएगा, ये सारी चीजें। साथ में टीन, टीन कैसे बनता था, एक तरीके से तांबा और ब्रोंज उसके लिए, तो ये लोग आयात करते। तो ये भी इनके आर्थिक विकास का एक कारक था कि ये लोग कैसे आयात और निर्यात करते हैं। और हमने देखा ज्यादातर जो निर्यात की चीजें हैं वो बनाई हुई है मेड इन इंडिया की तरह, देखो आप कच्चा माल से दोगे तो उस कच्चे माल की वैल्यू मिलेगी,
लेकिन आप उस कच्चे माल से कोई सामान बनाओगे उस हिसाब से। जैसे आज हमारे सामने, किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, वो अभी भी कच्चा माल बेच रहे हैं। जब तक वो एज अ बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचेंगे कि भैया टमाटर बेचने से कुछ नहीं होगा, टमाटर की सॉस बनाओ, सॉस बनाओगे तो उसकी वैल्यू देगा कोई। ऐसे आपको डायरेक्ट कपास बेचने से कुछ फायदा नहीं है, कपड़े बनाओ, कपड़े अगर बनाओगे कपास से तब आपकी कीमत निकलेगी, तब आपको सही में पैसा मिलेगा। और ये सारी चीजें हमें इस सिविलाइजेशन में देखती है कि ये लोग कैसे अपनी इस चीज का ध्यान रखते थे कि ज्यादातर सामान विनिर्माण वाला बेचा जाए जो मैन्युफैक्चरिंग हो, और मैन्युफैक्चरिंग सामान का काफी ज्यादा पैसा मिले। अगली बात आती है कि ये लोग अपने आर्थिक स्तर पर परिवहन का कैसे उपयोग करते थे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम इनके क्या थे, कैसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाना होगा, ले जाना होगा, साथ में जहां पर सामान बनता होगा वहां से बाजार तक सामान को पहुंचाना, उसके लिए परिवहन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आज भी हम लोग भारत माला जो रोडों की बात करता है, सागर माला जो समुद्र के आसपास के जोन की बात करता है, ये सब परिवहन का हिस्सा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी था कि परिवहन एक तरीके से धमनियां हैं, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हैं जिनमें खून रहता है, और जब तक ये नसें चल रही है तब तक हमारी बॉडी चल रही है। ऐसे अगर देश का विकास करना है तो परिवहन बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन की तरह। परिवहन होगा तो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंच सकता है, और साथ में मेक इन इंडिया को भी बल मिलेगा। तो इनके यहाँ जो परिवहन यूज किए जाते थे, ज्यादातर जो परिवहन थे वो जल और थल, या तो ये पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते थे, उनके पास नाव होंगी, कुछ जहाज भी होंगे, और हमने देखा लोथल में इनके पास एक बंदरगाह था, और इनके पास बैलगाड़ी भी है। तो ये लोग बैलगाड़ी का भी यूज कर रहे हैं। बैलगाड़ी इनके पास है, साथ में जल का भी यूज कर रहे हैं, जो हमें लोथल में दिखता है कि भाई लोथल में इनके पास एक बंदरगाह था, और गुजरात के क्षेत्र में इस बंदरगाह को दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक माना, जहां पर हमें मिलता है कि कैसे ये लोग सामान को बांटते थे, चढ़ाते थे, वो सारी चीजें कैसे। तो इनके यहाँ परिवहन भी ठीक था, उस टाइम के हिसाब से बैलगाड़ी अच्छा साधन माना जाता था। साथ में इन्होंने सड़कें भी ठीक बना रखी थी, कुछ सड़कें पक्की थी, कुछ सड़कें कच्ची थी, साथ में इन्होंने बंदरगाह भी बना रखा है, इसका मतलब इनको फायदा और होता होगा। तो जल परिवहन के द्वारा आयात या निर्यात करना या परिवहन करना थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो इनके सामान की डिमांड पूरी दुनिया में हो सकती है। तो ये सारे परिवहन की सुविधाएं भी इनके आर्थिक विकास में योगदान देते। अगली बात आती है विनिमय का साधन क्या है, ये लोग सामान देते हैं लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या। आज के समय हम लोग कोई सामान खरीदते तो बदले में हमें करेंसी दे देते, पैसा देना होता, लेकिन उस टाइम पैसा नहीं चलता, करेंसी थी नहीं, ना सिक्के थे ना कुछ था। तो इनके यहाँ जो परिवहन के बाद जो सामान बेचा जाता था, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंच गया, उसके लिए ये लोग जो विनिमय प्रणाली उपयोग करते थे कि भैया कैसे लेन देन होगा, आप लोग हमें पैसा दोगे या काम दोगे, वो सारी चीजें इनके यहाँ थी। तो इनके यहाँ विनिमय प्रणाली में हमें किसी मुद्रा के सबूत तो नहीं मिले अभी कि भाई ये लोग मुद्रा का यूज करते हो। तो विनिमय के साधन में ये लोग बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक सामान आप दो दूसरा सामान हम दें। जैसे अभी मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए,
मैंने आपको 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ाया है, आप 1 घंटे मुझे साइंस पढ़ाओ, और ये हम दोनों के बीच एक तरीके से एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे एक दूसरे से सामान लिया जाता था, तो जिसको दूसरी चीज की जरूरत होती थी उसे बोला जाता है, देखो भाई मेरे पास बकरी है, तुम्हारे पास अनाज है, तुम बकरी ले लो और मुझे अनाज दे दो। तो ऐसे इनके यहाँ एक तरीके से एक्सचेंज चलता। तो विनिमय प्रणाली सारी निर्धारित होती थी एक्सचेंज पर, एक दूसरे की वस्तु पर, और जिसकी वस्तु अगर अच्छा लगता था तो वो करते थे। लेकिन इसकी एक कमी भी थी, आसान नहीं होता उस इंसान को ढूंढना जो आपका सामान चाहता हो और साथ में आप उसका सामान चाहते हो। ये सारी चीजों में बहुत सारा मुश्किल आती थी कि भाई कैसे एक दूसरे से वहां करते थे। इन फिर भी इन लोगों ने सिस्टम को काफी बड़े लेवल पे चलाया और साथ में अपना फायदा भी। साथ में इनके यहाँ जब ये लोग व्यापार करने जाते थे तो कुछ बाजार बने हुए, ये देश का सबसे बड़ा बाजार, ये बाजार पश्चिमी जो किला है उसका बाजार है, ये ग्रामीण बाजार है, ये शहरी बाजार है, ऐसे इनके यहाँ बाजार। और उन बाजार में जाने के लिए एक पहचान पत्र होता था, मोहर, जैसे अभी भी हम मोहर लगाते हैं, स्टाम्प लगवाते हैं कि भाई ये डीएम की मोहर है, ये प्रधानमंत्री की मोहर है, ऐसे ही लोग मोहर का यूज करते थे जिसे हम सील भी कहते हैं। और बोला जाता था कि इस बाजार में वही व्यापारी अलाउ होगा जिसके पास ये मोहर होगी, और अगर मोहर नहीं तो व्यापारी को आना भी अलाउ। तो ऐसी मोहरों का ये लोग उपयोग करते थे कि भाई किसको बाजार में आने देना है, किसको बाजार में नहीं। और एक पहचान पत्र की तरह ये काम करती थी, जैसे अभी हमारे पास आधार कार्ड। और ये इनकी विनिमय पढ़ाई, लेकिन ये कोई करेंसी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, बस ये एंट्री पास था कि जाइए भाई आप अपना सामान इस बड़े बाजार में बेच सकते। तो जितना बड़ा बाजार उतनी ज्यादा संभावना है कि आपको आपकी वस्तु के ज्यादा बदले में कोई दूसरी वस्तु, अच्छी वस्तु मिल सके। तो ये सारी चीजें इनके यहाँ शामिल। अगली हम बात करें माप तोल कैसे करते थे, माप तोल तो करना पड़ेगा ना, क्या पता बकरी का जो मीट है वो ज्यादा हो और साथ में जो अनाज दिया है वो कम हो। तो डिसाइड तो करना पड़ेगा कि भाई 10 केजी अनाज में मैं बकरी बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। तो इनके यहाँ माप तोल की प्रणाली भी थी, और ये दिखाता है ये लोग गणित और विज्ञान के मामले में जानकार, जो इनके घर पर भी हमें दिखता है। तो माप तोल में ये लोग ज्यादातर घन जो हम एक यूज करते हैं और साथ में फुट जो घर को मापने के लिए या किसी की लेंथ मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कपड़ा पहले फुट में मिलता होगा कि भाई इतने फुट का कपड़ा है, ये आप इतने में ले लीजिए। और साथ में हमें लोथल से एक स्केल मिला है, और वो स्केल किससे बना है, हाथी दांत से। तो इसका मतलब ये लोग माप तोल तो करते थे। जैसे अभी भी हम सामान ले जाते हैं, भैया 1 केजी सब्जी दे दो, तो 1 केजी सब्जी के बदले आप लोग पैसे दे देते हो, लेकिन अगर माप तोल सिस्टम नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि 1 केजी सब्जी है या 2 केजी है। और एक और खास बात, क्योंकि केंद्रीय सत्ता थी तो हर जगह माप तोल की प्रणाली भी एक समान, और ये इनके एकीकरण की बात करता है, भाई एक ही सत्ता थी जिसके द्वारा ये सारे लोग चलते थे। तो इनके यहाँ माप तोल की प्रणाली एक समान, सबके यहाँ एक रूप था कि भैया ये इतने केजी का वाट, ये इतने केजी का वो, ये सारी चीजें इनकी मिलती है। और अगली बात आती है व्यापारिक प्रमाण क्या है कि ये लोग सच्ची में व्यापार करते थे, इसका कोई प्रमाण भी तो मिलना चाहिए। तो प्रमाण हमें मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से,
मेसोपोटामिया के राजा ने एक बोर्ड लिखवाया था, जैसे आजकल हम लोग हाईवे के आगे बोर्ड लिखवा देते हैं या दुकान के आगे जो होल्डिंग होती है कि भाई ये फलाने की दुकान है, यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, ऐसे ही मेसोपोटामिया के राजा ने एक बोर्ड लिखवाया और उस बोर्ड को हम लोग पढ़ भी पाए, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी हम पढ़े, तो वहीं पर हमें इसके व्यापारिक प्रमाण मिलते हैं कि भाई ये लोग सच्ची में ऐसे थे। तो उस बोर्ड में उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या चीजें हमारे यहाँ व्यापार में आती थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में दिलमन साथ में माकन और मैलुहा, दिलमन माकन मैलुहा यहाँ के लोग हमारे देश में व्यापार करने आते हैं और दिलमन की जो पहचान की गई वो बताया गया, दिलमन का मतलब बहरीन, बहरीन जो अरब कंट्रियों का एक देश है। साथ में माकन की जो बात की गई उसका था मकरान, जो तट ईरान के आसपास पड़ता है, और साथ में मैलुहा की खोज हमें पता चली ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इससे पता चलता है कि इन लोगों का व्यापार कहां तक फेमस था। मेसोपोटामिया जो उस टाइम की फेमस सभ्यता थी वहां पर एक तरीके से ये लोग करते, और साथ में इनके व्यापार के कुछ केंद्र हमें दिखाई देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा व्यापार होता, और जो इनकी एक तरीके से कह सकते हो कुछ राजधानी थी। तो इनके जो केंद्र हमें दिखाई देते हैं कि कहां कहां पर ये लोग एक तरीके से व्यापार ज्यादा करते थे, तो उन केंद्र में एक तो हड़प्पा, जिसके आधार पर इसे हड़प्पा नगरीकरण कहते हैं, दूसरा जो शहर फेमस है मोहन जोदारो, मोहन जोदारो, और तीसरा लोथल। इन शहरों के आसपास ज्यादातर व्यापार होता है, तो नगरों का विकास ही एक तरीके से ट्रेड को जन्म देता है, व्यापार को जन्म देता है। तो इन क्षेत्रों में नगरों का विकास था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है वो इन नगरों के क्षेत्रों के आसपास फला फूला। ये सारी चीजें तो हमने जाना, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक स्तर पर कैसे विकास हुआ, पहले हमने देखा कृषि अधिशेष इनके पास था, साथ में पशुपालन भी करते थे, फिर उसके बाद हमने जाना कैसे ये लोग आयात क्या करते थे, निर्यात क्या करते थे, वो इनका एक हिस्सा था। अगली बात इनका सिल्क, सूती वस्त्र यूज करते थे, क्या ये लोग सिर्फ जो प्राथमिक क्षेत्र है कच्चा माल है वो निर्यात करते थे आयात करते थे, तो हमने देखा सूती वस्त्र है, बहुत सारी ज्वेलरी है, आभूषण वगैरह, हाथी दांत के सामान है, लकड़ी के सामान है, साथ में इनके आप परिवहन के रूप में बैलगाड़ी, बंदरगाह लोथल में मिलाए, जल परिवहन वो यूज करते थे, विनिमय के साधन के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली, एक सामान के बदले दूसरा सामान, साथ में इनके यहाँ माप तोल घन और फुट उसका उपयोग ये लोग करते थे, साथ में इनके व्यापारिक प्रमाण। तो हमें मेसोपोटामिया से पता चलता है कि उनके मैलुआ वाले भी व्यापार करते थे, और मैलुआ का मतलब सिंधु घाटी के लोग। साथ में कुछ सेंटर दिखते हैं, व्यापार सेंटर, ट्रेड सेंटर जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल में कहीं ना कहीं दिखाई दे। तो ऐसे इनका आर्थिक विकास एक तरीके से हुआ। अगली बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा, क्या इनका समाज थोड़ा प्रगतिशील था या नहीं, क्या इनके समाज में भी जैसे आज के समय हमारे देश में कुछ बुराइयां हैं, क्या वो बुराइयां इनके यहां भी थी या नहीं,
ये सारी चीजें समाज का हिस्सा होती है। समाज का मतलब होता है लोगों का समूह। बहुत सारे लोग अगर एक साथ रहने लग जाए उसी को हम कहते हैं समाज। जैसे हमारे यहाँ चलता है पंचायत, पांच लोग एक साथ आ गए पंचायत हो गई, और उस पंचायत में और सारे लोग आए समाज हो गया। तो ऐसे ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई दे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि समाज को जानने के आधार क्या है। किसी भी समाज को हम लोग कैसे जान सकते हैं? जैसे आज का भी हमारा समाज है, तो हमारा समाज अच्छा है या बुरा उसके कुछ आधार होंगे। जैसे जाति व्यवस्था हमारे समाज का एक गलत तरीका है, लेकिन वही हमारे समाज में लोकतंत्र है, शांति है, ये हमारे समाज का अच्छा वो है। तो इन्हीं आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्या सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वर्ण व्यवस्था, जो हमारे समाज का पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। वर्ण व्यवस्था जिसे लाया गया समाज में श्रम के विभाजन के लिए। और हमारे देश में चार वर्ग हैं वर्ण व्यवस्था के अंदर। पहला वर्ग जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं, जैसे जिसमें आप होते मैं होता, वो सारा वर्ग कहलाता था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का मतलब आज के ब्राह्मण से नहीं है, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं, कर्म के आधार पर ब्राह्मण, जिसको ज्ञान के बारे में शिक्षा के बारे में अच्छा लगे वो सब ब्राह्मण कहलाते। दूसरा वर्ग वो जो काफी ज्यादा मजबूत था, 6 फुट की हाइट है, एक मुक्का मारे तो दीवार गिरा दे, वो लोग कहलाते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय दूसरा वर्ग हुआ करता था, सैनिक जिसे आप कह सकते हो, सैनिक वर्ग क्षत्रिय। और तीसरा व्यक्ति जो हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता था, कैसे ये रेडी वाला इतने गोलगप्पे बेचता होगा, इतने पैसे डेली कमा लेता होगा, कैसे मैं अपने दोस्त को ये 10 रुपए का पेन 20 रुपए में बेचूं। तो ऐसे जो लोग थे जो पैसे की बात ज्यादा करते थे, व्यापारी वर्ग जिसे कहते थे उसे ये लोग कहते थे वैश्य। इन्हें जाना जाता था वैश्य के नाम से, व्यापार पर ज्यादा बल देते हैं पैसा कमाने। सबसे लास्ट में कोई बंदा आया जिसे पूछा गया भाई क्या आता है, तो बोलता है सर जैसे ही किताब खोलता हूँ वैसे ही नींद आ जाती, इसका मतलब ये ब्राह्मण तो नहीं। उसके शरीर को देख के लग रहा था पहलवान तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दुबला पतला, छोटी सी हाइट, तो पहलवान तो किसी भी नजर से नहीं लग रहा। अगली बात आई उससे पूछा क्या हिसाब विसाब लगाते, तो 4 का 6 और 6 का 2 ही नहीं कर पा रहा था, तो भाई तुम्हारे बस की व्यापार करना भी। तो सबसे लास्ट में एक ग्रुप बना जिसको कहा गया शूद्र, और शूद्र का मतलब लेबर क्लास, श्रमिक, जो घर का काम करेगा, झाड़ू पोछा, ये सारी चीजें जो करेगा वो सब चीजें। तो वर्ण व्यवस्था भारत में कार्य के विभाजन का एक तरीका। इसका फायदा ये होता था जो जिस पिलर में आता था उसको वो काम मिलता। तो कार्य का विभाजन हमारे देश में अच्छे से होता था, इसलिए देश में बेरोजगारी भी नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता है कि भाई मेरा काम क्या है। इस लिहाज से ये अच्छी थी, लेकिन तब तक अच्छी थी जब तक कर्म के बेस पर थी, कर्म के आधार पर थी कि भाई जो जैसा करेगा उसे उसी वर्ग में बनेगा। गीता जिसकी बात करती है उसी बात, लेकिन धीरे धीरे ये आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल तक ये धीरे धीरे जैविक हो जाएगा, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, शूद्र का बेटा शूद्र। इससे हमारे समाज का शोषण, जैसे कर्ण के बारे में सुना हो, कर्ण भी कुंती का पुत्र था, लेकिन उसका छोटा भाई अर्जुन उसे क्या होता है, सूत होता। तो कहीं ना कहीं इस वर्ण व्यवस्था ने हमारे समाज में प्रगति को रोका। ऐसे बहुत सारे लोग जो समाज में बहुत कुछ दे सकते थे उनको बाधा पहुंचाई, जैसे अंबेडकर जी। अंबेडकर जी जो भारत के लोकतंत्र के भी निर्माता हैं,
उनको भी काफी ज्यादा शोषण सहन करना पड़ा इस वर्ण व्यवस्था की वजह से। जब ये जैविक रूप ले, मास्टर जी उनको पीटते ही नहीं थे, और पीटने का एक कारण ये था कि बेटा तुम अछूत हो, और अगर छड़ी में आपको मारूंगा तो छड़ी मेरे हाथ में है और वो छड़ी मुझे भी लगेगी, और मैं ब्राह्मण तो मुझे नहाना पड़ेगा, इसलिए उनका होमवर्क हो ना हो कोई मतलब नहीं, दलित वर्ग के लोगों को नीचे बैठाया जाता था। ऐसे ही हमें एक और एग्जाम्पल दिखता है एकलव्य का। एकलव्य के साथ भी शोषण हुआ, अर्जुन से ज्यादा बड़ा धुरंधर होने के बावजूद उनका अंगूठा उनके गुरुजी ने मांग लिया। तो ये वर्ण व्यवस्था ने कहीं ना कहीं हमारे संसाधन को सीमित कर, एक वर्ग तक सीमित रख दिया कि ये वर्ग ही क्षत्रिय बनेगा, ये वर्ग ही ब्राह्मण या ज्ञान देगा। इस वजह से हमारे समाज का पतन भी हुआ और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको ये चतुर्वर्ण व्यवस्था देखेगी, चार वर्ण जिसमें है, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो वहां पर दो हैं बस, द्वे वर्ण। या तो वहां के लोग ब्राह्मण हैं या नॉन ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, और आप देखेंगे भी उनकी राजनीति में भी यही दो पार्टियां बनेंगी, एक तो ब्राह्मण की पार्टी, दूसरी गैर ब्राह्मण की पार्टी, और ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गैर ब्राह्मण। इसलिए राजनीति में निचले वर्ग के लोग काफी ज्यादा। तो इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था। तो हमने जब देखा तो पता चला सिंधु घाटी सभ्यता में तो वर्ण व्यवस्था थी नहीं, उनके वहां ऐसी चीज थी, उनके वहां बस वर्ग थे कि भाई ये वाला वर्ग व्यापारी है, क्यों? क्योंकि व्यापार करता है, तो उनके वहां व्यापारी वर्ग हमें देखेगा। साथ में जो किसान और वो हैं उनको श्रमिक वर्ग कहा जाता था। ऐसे वर्ग दिखते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था का भी उद्भव नहीं हुआ है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखा है। अगला जो तरीका और वर्ण व्यवस्था का अगला ही चरण जो हमारे समाज में आजकल काफी ज्यादा दिख रहा है, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था का निर्माण कहीं ना कहीं इस वर्ण व्यवस्था से हुआ है। जिस जाति व्यवस्था को हम जानते हैं उसका उत्पादन वर्ण व्यवस्था से हुआ। अगला जो कारक जिसके आधार पर हम उस समाज को देख सकते हैं वो है दास प्रथा। दास प्रथा, दास का मतलब जैसे हम बाजार में जाते हैं तो सामान कोई भी खरीद के ले जा सकते हैं, ऐसे ही अगर इंसान को खरीदा बेचा जाने लगे, देखिए कितना हाइट है लंबा इसका, 6 फिट का है, साथ में रोटी भी कम खाता है, पूरे दिन काम करे, तो ऐसे इंसान को अगर खरीदा बेचा जा सके उसी को कहते हैं दास। और इस दास का उपयोग कहाँ करते थे? या तो आप घरेलू कार्य भी कर सकते हो, झाड़ू पोछा साफ सफाई इसमें कर सकते हो, या फिर आप इससे घर से बाहर के काम आर्थिक रूप से कोई काम ले सकते हो, जैसे खेती में काम लेना, व्यापार दुकान अगर आपकी है तो उस पर उसे रख देना। तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा हो जाती है दास प्रथा। तो आप खेती में पशुपालन में इसमें इसका उपयोग, तो इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं कि भाई कैसा वहां का समाज था, क्या लोगों को गुलाम बनाया जाता था? नहीं, लेकिन यहाँ पे भी हमें प्रमाण मिलते हैं थोड़ा बहुत है कि लोगों को उपयोग किया जाता था, दास रहते थे राजाओं के यहाँ, जिनका काम होता था राजा की सेवा करना। इस आधार पर भी हम लोग देखेंगे। तीसरा जो कारक है महिलाओं की स्थिति। महिला जो किसी भी समाज की आबादी का आधा हिस्सा होती है, तो महिलाओं की स्थिति के आधार पर उस समाज को आप देख सकते हो। तो महिलाओं की स्थिति कैसी होगी
इसके आधार पर भी आपको देखते हैं। तो महिलाओं की स्थिति कैसे पता चल सकती है? क्या वहां पर बाल विवाह था या नहीं? अगर बाल विवाह नहीं तो इसका मतलब समाज थोड़ा प्रगतिशील है। क्या महिलाओं को शिक्षा मिलती थी या नहीं? शिक्षा मिलती थी तो प्रगतिशील समाज, नहीं मिलती थी तो नहीं प्रगतिशील समाज। क्या महिलाओं को जब उसके पति की डेथ हो जाती थी क्या सती कर दिया जाता था? अगर सती व्यवस्था है तो इसका मतलब समाज थोड़ा पिछड़ा है, सती व्यवस्था नहीं है तो समाज थोड़ा प्रगतिशील। साथ में विधवाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? विधवा अगर कोई महिला हुई तो क्या उसको दोबारा से शादी करने का मौका मिलता था या नहीं, या उनको सती प्रथा के थ्रू जला दिया जाता? इन सब के आधार पर भी हमें दिखाई देता। तो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें महिलाओं को काफी ज्यादा एक तरीके से आजादी थी, वो कुश्ती भी लड़ सकती थी, वो ज्योतिष भी कर सकती थी, वो योद्धा भी बन सकती थी। ये सारे कार्य उन्हें करना एक तरीके से था। और आज के भारत की बात की जाए तो महिलाओं को बहुत कम एक तरीके से योगदान रहता है। अगर हम बात करें हमारे देश में कितनी महिलाएं जो रोजगार में शामिल है तो 24% बस, मतलब देश की 1/4 महिलाएं ऐसी हैं जो एक तरीके से शामिल हैं। किसमें? 1/4 महिलाएं जो शामिल हैं कार्य करने में या नौकरी करने में, जिन्हें बाहर जाने का मौका मिला। इसका मतलब 3/4 जो महिलाएं हैं उनको एक कार्य करने की आजादी। अगर जिस समाज में महिलाओं को आजादी है, अंबेडकर जी कहते भी थे कि अगर देश की आधी आबादी को मौका मिलता है तो वो देश प्रगतिशील करता है। तो ताजुब की बात भी नहीं है, दुनिया में सब देश प्रगतिशील नहीं। यूएसए विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक समाज है, उसका कारण महिलाओं को आजादी देना, वो अपने मानव संसाधन का सबसे अच्छे से उपयोग। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग महिलाओं का काफी ज्यादा उपयोग करते थे, उस अपने मानव संसाधन का उन्होंने दुरुपयोग नहीं होने दिया, बल्कि उनको मौका दिया कि वो जिस क्षेत्र में जाएं अपना योगदान दें। ये सारी चीज उनको दी और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता काफी ज्यादा आगे बढ़ी और आज की हमारी सभ्यता दिखती है कि कैसे है। तो महिलाओं को या 50% आबादी को छोड़कर आप एक बड़ी महाशक्ति नहीं बन सकते, आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो इसके आधार पर भी हमें पता चलता है कि भाई कैसी किस जगह की या कैसा उनका समाज। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रहन-सहन कैसा था इनका, क्या ये लोग कपड़े पहनते थे, खाना क्या खाते थे, इससे भी किसी समाज के बारे में पता है। मतलब मकान अच्छा बना है इसका मतलब समाज में पैसा है। अगर एक जगह मकान बढ़िया बढ़िया बने, दूसरी जगह बहुत घटिया बने, तो इसका मतलब समाज में विषमता थी। हमें दिखता भी है पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र, साथ में इनके रहन-सहन के साथ साथ खान पान कैसा था, क्या खाते थे, क्या ये लोग नॉन वेज खाते थे या नहीं, मीट वगैरह या सिंपल चपाती खाते थे। तो हमें इनके खान पान में दिखता है कि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मतलब ये लोग मांस भी खाते थे। दोनों चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती, और ये इनके समाज का एक महत्वपूर्ण भाग था कि एक कैसी चीजें। साथ में सूती वस्त्र ये लोग काफी ज्यादा उपयोग करते थे, क्यों? क्योंकि इनके पास कपास था, तो कपास की वजह से सूती वस्त्र आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं, ये भी इनके समाज का हिस्सा था। साथ में साज सज्जा सजावट के लिए महिलाएं हों पुरुष हों, सब लोग इनके यहाँ ज्वेलरी पहनते थे, आभूषण। आभूषण भी कैसे, या तो हाथी दांत से बने हुए या फिर सोना चांदी,
सोना चांदी का आभूषण पहन रहे हैं सब लोग, इसका मतलब समाज के पास काफी ज्यादा पैसा होगा, समाज में उन्नति होगी। आज के समय हमें कम दिखाई देता है, इसका मतलब हमारे समाज के पास थोड़ा सा संसाधन कम है, या कहो डर है। कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है कि कोई महिला या कोई पुरुष सोना पहन के निकल सके, उसको डर है सोने के चक्कर में हार तो जाएगा ही, साथ में गर्दन भी ना जाए। तो ये सारी चीजें भी समाज का एक हिस्सा होती हैं जो वहां की कानून व्यवस्था और उसको दिखाते हैं। और अगली बात आती है मनोरंजन। हर समाज अपना मनोरंजन करता है, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल मौन रहते होंगे, ये भी अपना मनोरंजन करते होंगे। तो इनके यहाँ मनोरंजन के साधन से भी हमें समाज के बारे में पता चलता है। अगर मनोरंजन के साधन शांति प्रिय है तो मतलब समाज भी शांति वाला होगा, और अगर मनोरंजन के साधन ऐसे हैं मार काट वाले तो दिक्कत होगी। तो ये लोग मनोरंजन के लिए एक तो घरेलू स्तर पर मनोरंजन हो सकता है जो हम घर में ही खेलते रहते हैं, और दूसरा बाहर। तो घर में इनके यहाँ मनोरंजन के साधन थे और बाहर के भी। घर में क्या होता था, जैसे हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं, ऐसे ये लोग पासा खेलते थे जिसमें छह वो होते हैं। मामा सुकनी को हमने देखा है महाभारत में कैसे पासा खेल के 112 कर देता है, साथ में शतरंज भी ये लोग खेलते थे, जिसमें घोड़ा चलाना हो, हाथी चलाना हो, वजीर को चलाना हो, वो सारी चीजें इनके यहाँ भी थी। साथ में बाहर ये क्या करते थे, तो बाहर ये लोग शिकार करते थे, शिकार भी इनका एक हिस्सा था, और पहले से ही राजा महाराजा शिकार करने में आगे रहते थे। साथ में कुछ मैदान बने थे, उन मैदान में कुश्ती त्योहार ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा हमें स्विमिंग पूल मिलता है, जलाशय जो माना जाता था, उस जलाशय में इनके जो त्योहार थे वो मनाए जाते हैं। जैसे आज भी हम मानते हैं कि भाई मंदिर के आसपास अगर हमें थोड़ा सा पाप धोना है तो जलाशय में स्नान करने से आसानी होती है। कुछ लोग गंगा में एक तरीके से स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो सारी चीजें। अगली बात आती है मरने के बाद इनके समाज क्या था। अगर कोई मर जाता था तो उसके बाद मृत्यु के बाद क्या होता था, क्या दफनाते थे या फिर ये लोग जलाते थे। तो ज्यादातर चीजें जो हमें देखती हैं वो दफनाने के लिए, ऐसा नहीं जलाते, जलाते भी थे बहुत सारी बॉडियां, लेकिन दफनाने की ज्यादा एविडेंस। तो ये लोग अपनी बॉडी को दफनाते थे। और साथ में एक और चीज हमें दिखी, एक कब्रिस्तान जो हमें मिला है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी एक क्षेत्र है और ये राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, तो हरियाणा में सबकी कब्र खुदती है, तो वही हरियाणा में इसकी भी कब्र है। उस राखीगढ़ी की कब्र में हमें एक चीज और देखी कि वहां पर कई कब्र ऐसी हैं जहां पर एक ही जगह दो बॉडियां मिली, दो शरीर, और उन शरीर में से एक शरीर महिला का है, एक शरीर पुरुष का है। जैसे एक बात पता चलती है सती प्रथा इनके यहाँ थी, तभी तो दो बॉडी या युग्मित सावधान दोनों को साथ में एक तरीके से जलाया जाता था। तो इस कब्रिस्तान से राखीगढ़ी से हमें पता चलता है कि इन लोगों के यहाँ एक तरीके से सती प्रथा थी जो महिलाओं के लिए गलत। तो ये सारे सबूत हमें मिलते हैं। साथ में एक और चीज पता चलती है, जब ये लोग शरीर को दफनाते थे तो उसके साथ साथ उसके लिए कुछ सामान भी रख देते थे, साथ में बॉडी के हाथ के ऊपर ताबीज के निशान है, मालाओं के निशान है, ये बताता है ये लोग अंधविश्वासी भी थे, और साथ में मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे, और इसलिए उसको सारा सामान पहले से ही दे दिया गया, वापस मत आना, जो सामान तुम्हें चाहिए तुम्हारी कब्र में रख दिया है,
उसी को उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी भी आज के टाइम भी अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो हम जो उसको प्यारे चीज होती है उसको रख देते हैं। मान लीजिए किसी को ताश खेलना अच्छा लगता है, कार्ड खेलना अच्छा लगता है, तो कार्ड की एक पूरी गड्डी हम रहते हैं। किसी को दारू पीने लगता है तो दारू छिड़क दिया कि हमें परेशान करने मत आना। ऐसा ही इनके यहाँ था, साथ में ताबीज पहनते थे, ये लोग भूत वगैरह में विश्वास करते होंगे, ये सारी चीजें इनके यहाँ मिलती हैं। तो इससे इनके समाज के बारे में पता चलता है। बात करें फिर दोबारा से कि वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था इनके यहाँ नहीं थी। वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो इसका मतलब जाति प्रथा भी नहीं थी, लेकिन वर्ग जरूर थे। व्यापारी वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, सैनिक वर्ग थे, ये वर्ग दिखते। अगली बात आती है, क्या इनके यहाँ दास प्रथा थी? बिल्कुल दिखती है, कुछ जगह इनके यहाँ दास प्रथा दिखती है जहां पर कुछ श्रमिकों से काम करवाया जाता, किसान एक तरीके से दास की तरह काम। महिलाओं की स्थिति, ज्यादातर मामले में महिलाओं की स्थिति सही थी, बाल विवाह नहीं था, शिक्षा का अधिकार था, लेकिन इनके यहाँ सती प्रथा के एविडेंस मिलते हैं जिससे पता चलता है महिला का शोषण होता। विधवा प्रथा के भी मिलते हैं कि विधवा प्रथा इनके यहाँ चलती थी, विधवा महिलाओं को सम्मान था, ऐसा नहीं था कि उनको सम्मान नहीं था। साथ में एक और बात पता चलती है, इनके समाज में मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे? क्योंकि इनके यहाँ जो हमने मूर्तियां देखी वो ज्यादातर महिलाएं की थी, तो इससे पता चलता है मात्र सत्तात्मक दो समाज हो सकते हैं, एक पितृ सत्तात्मक, एक मातृ समाज। पितृ से पता चल रहा है पिता मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी जहां जमीन के अधिकार पुरुष के नाम पर, अगर बेटे का जन्म होगा खुशी मनाई जाएगी, बेटी का जन्म होगा तो थोड़ा दुख होगा कि वारिस नहीं मिला घर का, लेकिन यहाँ पर मातृ सत्तात्मक थी, माता के आधार पर सारी चीजें चलती थी। और ये पूजा भी जो करते थे वो प्रकृति की करते थे और महिला को काफी ज्यादा सम्मान था, और लड़कियों की पूजा भी ये लोग करते थे, महिलाओं की पूजा करते थे, उन्हें देवी मानते थे, उनसे बहुत सारी चीजें मांगने भी आते थे। तो इनके यहाँ मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन इनके यहाँ आवास और संविधान की प्रक्रिया थोड़ा विषमता को दिखाती कि भाई जो गढ़ी वाले लोग थे, जो राजा रूलर थे, उनके लिए अलग प्रथा थी, दूसरों के लिए अलग, तो इसलिए विषमता भी इनके यहाँ दिखती है। एक और चीज जो इनके यहाँ दिखती है, अगर हम बात करें कि ये लोग शांति प्रिय थे या फिर हथियार का उपयोग करते थे, तो इनके यहाँ कोई भी हमें हथियार नहीं मिला है। कोई भी हथियार ना मिलना, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि कोई घर शांति प्रिय है या थोड़ा लड़ने में माहिर है, अगर किसी घर में बंदूक वगैरह है तो इससे पता चलता है कि वो घर लड़ने में माहिर है, और दूसरा घर है जहां पर बंदूक वगैरह कुछ नहीं है, बहुत शांति से सब लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही हमें हड़प्पा सभ्यता में कोई हथियार नहीं दिखते। और कोई हथियार ना दिखना ये इस बात का सबूत है कि इन लोगों को हथियार की जरूरत ही नहीं थी और ये समाज शांति प्रिय था। तो किसी व्यक्ति का विकास होना हो या किसी परिवार का विकास होना हो या किसी समाज का विकास होना, वहां पर शांति जरूरी है। अगर शांति होगी तो अपने आप कम संसाधन होने के बावजूद वो समाज, वो व्यक्ति, वो परिवार विकास कर जाएगा। जैसे आज के भारत में काफी ज्यादा शांति है, वहीं पाकिस्तान में काफी ज्यादा शांति है। दोनों देश एक साथ आजाद हुए लेकिन दोनों की स्थिति बहुत ज्यादा डिफरेंट। भारत में शांति रही इसका फायदा मिला, वहां पे अशांति रही इसका नुकसान हुआ, इस वजह से वो समाज विकसित नहीं हो पाया और भारतीय समाज विकसित हो गए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभाव पड़ता। अगली बात आती है रहन सहन खान पान, इसमें एक चीज दिखती है, जो महिलाएं थी वो अपनी सजावट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे, और इनके यहाँ लिपस्टिक हमें मिला है, साथ में मेकअप का पूरा किट जिसे वैनिटी बॉक्स भी कहते हैं वो भी यहाँ पे मिला है। चूनो दड़ो एक क्षेत्र है, उस चूनो दड़ो क्षेत्र में हमें लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, चूनो दड़ो, तो इसका मतलब उस टाइम भी महिलाएं केश श्रृंगार पर
साथ में अपनी खूबसूरती पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे। और साथ में हमने देखा कि कैसे महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहने। साथ में वहां पर मिलता है कि भाई हाथी के दांत का कंघा बनाया जाता था, उस कंघा से केश श्रृंगार किया जाता था। साथ में तांबे का दर्पण होता था जिसमें वो लोग देखते थे कि भाई सही से बाल बने या ना बने, या सही से मेकअप हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें भी इसके यहाँ दिखती हैं। और साथ में हमें पता है कि हड़प्पा वासी वेशभूषा के मामले में कपास का उपयोग, सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, उसी को पहनते थे। और साथ में खान पान के मामले में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों इनके यहाँ थे। इसके अलावा युग्मित शब्दान हमने देखा है कि कब्रिस्तान मिला है जहां पर ये सारी चीजें उपयोग करते थे, वो सारी चीजें। तो ओवरऑल बात की जाए तो इनका समाज काफी प्रगतिशील था, सब लोगों को एक तरीके से समानता थी, महिलाओं को आजादी थी, ये सारी चीजें इनके समाज का एक हिस्सा था। इन कुछ कमियां थी, जैसे सती प्रथा इनकी कमियां है, दास प्रथा इनकी कमियां है, ये सारी चीजें इनकी कमी है। साथ में आर्थिक विषमता दिखती है समाज के अंदर की। एक पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर एक योद्धा वर्ग या राजा वर्ग रहता है, दूसरा पूर्वी क्षेत्र है जहां पर श्रमिक लोग, किसान लोग रहते हैं। उन दोनों के बीच काफी अंतर जीवन को लेकर, साथ में अपने पास संसाधन को लेकर, ये भी सारी चीजें एक अंतर को एक तरीके से दिखाती है। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का तर्कों के साथ वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का तर्कों के साथ वर्णन करें। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये भारत का प्रथम नगरीकरण है। फिर उसके बाद आपको उसके समाज के बारे में बताने के लिए ये आपके हेडिंग, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, महिलाओं की स्थिति, रहन सहन, मनोरंजन, मृत्यु के बाद क्या करते थे, ये सब इनका ऐसा है। तो ऐसे आप एक तरीके से पूरा आंसर लिख सकते हो।